हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि फीफा वर्ल्ड कप में सऊदी अरब ने बड़ा उलटफेर करते हुए अर्जेंटीना को 2-1 से हराया था। अर्जेंटीना के खिलाफ सऊदी अरब की जीत को मौजूदा टूर्नामेंट के सबसे बड़े उलटफेर के रूप में गिना जा रहा है। गौरतलब है कि सऊदी अरब ने पहली बार अर्जेंटीना को पराजित किया है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच कुल 4 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें अर्जेंटीना ने 2 मैच जीते थे, जबकि 2 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। अर्जेंटीना पर जीत के बाद इन प्लेयर्स पर इनामों की बारिश हो रही है। रिपोर्ट्स में दावा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सभी खिलाड़ियों को उपहार में एक एक कीमती कार देने का फैसला किया है। इस कार का नाम रोल्स रॉयस फैंटम है, जिसकी कीमत 5 लाख यूरो, लगभग 4 करोड़ 25 लाख रुपये है। सऊदी अरब की जीत के बाद टीम के प्रशंसक काफी उत्साहित दिखे थे। इस शानदार जीत को लेकर पूरे देश में अब भी त्योहारों जैसा माहौल है। सऊदी अरब के किंग सलमान ने तो बुधवार 23 नवंबर को छुट्टी की घोषणा की थी। ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों के साथ साथ सभी छात्रों के लिए थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और हाँ, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।